आज हमारा लेक्चर नंबर 27 है 9th बायोलॉजी का। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था ट्रांसपोर्ट, ये 9th चैप्टर था और इसका ये टॉपिक था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। स्टूडेंट्स, जो हमने लास्ट लेक्चर स्टडी किया था वो था ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब भी हमने ये बात की थी कि हम इस चैप्टर के दो पोर्शन हैं, एक ट्रांसपोर्ट ऑफ एनिमल हमने स्टडी करना है, दूसरा ट्रांसपोर्ट ऑफ एनिमल एक प्लांट में स्टडी करना है, दूसरा एनिमल में स्टडी करना है, ठीक है। और एनिमल में हम ह्यूमन बींग को स्टडी करेंगे। जब हमने प्लांट को डिस्कस किया था उसमें हमने दो चीजों को डिस्कस करना था, एक वाटर की ट्रांसपोर्ट, दूसरा हमने कौन सी चीज की ट्रांसपोर्ट करनी थी, फूड की ट्रांसपोर्ट। वाटर की ट्रांसपोर्ट हमने लास्ट लेक्चर में जो हमने स्टडी किया था हमने देखा था कि वाटर कैसे हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। आज हमने देखना है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड कैसे होती है, ठीक है। तो बच्चों, सबसे पहले बात यह है कि फूड प्लांट के अंदर कैसे आई, ठीक है। फूड के लिए हम ये चीज देखते हैं कि प्लांट के अंदर जो मेजर मैकेनिज्म होता है वो होता है फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं मतलब अपनी फूड खुद बनाते हैं। जैसे आपने पाइनोरेटिस वाले चैप्टर में स्टडी किया था कि प्लांट ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये अपने फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है ये होता किधर है, फोटोसिंथेसिस होती है लीफ के अंदर, ठीक है। लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है तो इसका मतलब है कि आपने लीफ से पूरी प्लांट बॉडी के अंदर आपने फूड को ट्रांसपोर्ट करना है। मतलब अब आपने ये देखना है कि लीफ से आपने पूरी प्लांट बॉडी के अंदर फूड को कैसे भेजना है, ठीक है। अब यहाँ पे अपने जो मैकेनिज्म स्टडी करना है वो है एक थ्योरी है जिसको आप कहते हैं प्रेशर फ्लो थ्योरी। साइंटिस्ट ने ये थ्योरी पेश की कि हम अपनी फूड को, ये जो प्लांट फूड प्रिपेयर करते हैं इसको लीफ से बाकी पोर्शन तक, जो बाकी प्लांट बॉडी है उस तक कैसे पहुंचाते हैं। तो इसके लिए ये थ्योरी थी प्रेशर फ्लो थ्योरी। इसमें ये चीज मेंशन की जाती है, इसका ये मैकेनिज्म है कि इस थ्योरी को अगर हम डिस्क्राइब करते हैं तो हम ये कहते हैं कि फूड ऑलवेज मूव फ्रॉम सोर्स टू सिंक। मैं इसकी स्टेटमेंट भी यहाँ पे लिख देती हूँ कि फूड ऑलवेज मूव फ्रॉम या ट्रांसपोर्ट फ्रॉम सोर्स टू सिंक। ये थ्योरी पेश की गई थी, प्रेशर फ्लो थ्योरी है कि फूड हमेशा जो है वो सोर्स से सिंक की तरफ मूव करती है। अब ये सोर्स और सिंक क्या चीजें हैं, इसमें अगर आप देखते हैं कि यहां पे हम सोर्स कंसीडर करते हैं लीफ को, ठीक है। सोर्स वो चीज है जहां पे फूड बढ़ रही है, ठीक है। सोर्स क्या चीज है, हमारे पास लीफ है, और सिंक हम कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे रूट्स को। बच्चों, यहाँ पे इस सोर्स और सिंक को समझने के लिए हम एग्जांपल में यहाँ पे आपको ये वाली दे देती हूँ कि आप देखें आपके घर में टैंकी, ठीक है। टैंकी जो पानी वाली जो आप इस्तेमाल करते हैं, अब टैंकी और नल, ठीक है। जो टैंकी है वो आपके पास कौन सी चीज है, वो आपके पास सोर्स है। इसके अंदर कौन सी चीज है, आपने क्या रखा हुआ है, वाटर है, ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं कि आपने स्टोर जो चीज की हुई है, टैंकी जो है वो आपके पास आ जाएगा सोर्स, और जो नल है जिससे आप पानी यूज कर रहे हैं वो क्या चीज है, सिंक। इसी तरह आप यहाँ पे प्लांट की एग्जांपल में देखें कि लीफ वो वाली चीज है जहां पे फूड बन रही है, ठीक है। अब वहां से आपने पूरी प्लांट बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करनी है, और ट्रांसपोर्ट में हम ये कहते हैं कि रूट्स वाला वो पोर्शन है जहां पे हम एग्जांपल यहाँ पे रूट ले रहे हैं कि रूट्स के अंदर फूड की जरूरत है, ठीक है। ये सोर्स और सिंक ये दोनों चीजें, ठीक है। अब जो आपके पास सोर्स है इसमें स्टोरेज ऑर्गन भी आ सकते हैं, रूट्स के अंदर भी हम फूड को स्टोर कर सकते हैं, और जो आपके पास सिंक आ जाता है उसमें ग्रोइंग ऑर्गन जो होते हैं, मतलब जो टिप को भी रूट की या शूट्स की या एरियल पार्ट्स की जो टिप्स होती हैं जहाँ पे हमें फूड चाहिए होती है, हमारी नीड होती है एनर्जी की, वो वाले जो एरियाज आ जाते हैं वो कौन कौन से हैं, वो सिंक में हम कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पे बच्चों ये मैकेनिज्म हमने स्टडी करना है कि फूड सोर्स से सिंक की तरफ कैसे जाती है। प्रेशर फ्लो थ्योरी को आपने यहाँ पे डिस्कस करना है कि इसमें कैसे हमने सोर्स और सिंक की एग्जांपल ऐड की है। तो सबसे पहले आपके पास लीफ के अंदर जो फूड बनी वो आपको पता है कौन सी चीज बनती है, ग्लूकोज, ठीक है। अब प्लांट के अंदर क्या होता है, आप इस ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट नहीं करते, इस ग्लूकोज को पहले आप कन्वर्ट करते हैं सुक्रोज के अंदर। ये आपके पास ग्लूकोज और सुक्रोज बच्चों क्या चीजें थी, ये आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो सिंपल शुगर्स होते हैं
मोनोसैकेराइड्स को आप कहते हैं वो ग्लूकोज थे। नेक्स्ट आपने उसको कन्वर्ट कर दिया किस चीज के अंदर, सुक्रोज के अंदर। आप सुक्रोज को इजीली प्लांट बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि सबसे पहले कि ये जो आपके पास सुक्रोज बना, ये कहां से था कि अगर हम यहाँ पे डायग्राम में ड्रा करती हूँ तो ये देखें कि इस साइड पे कि ये आपके पास लीफ है, ठीक है। इस लीफ के अंदर कौन सी चीज थी, मतलब ग्लूकोज था जिसको आपने कन्वर्ट कर दिया किस चीज के अंदर, सुक्रोज के अंदर। अब इस सुक्रोज को आपने पूरी प्लांट बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। ये इसकी रूट्स, ये इसका एरियल पार्ट, ठीक है। अब यहां से ये सुक्रोज आएगा इस पाइपलाइन के अंदर और देन इसको आपने ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। अब इसकी ट्रांसपोर्ट को अगर मैं ये जो स्टेम वाला पोर्शन है इसको मैं थोड़ा खोल के आपको बताऊं तो ये किस तरह से होगा, ये इस तरह से एक पाइपलाइन बनती है, ठीक है। आप कहते हैं कि ये जो सुक्रोज है ये सबसे पहले आएगा इस पाइपलाइन के अंदर। ये पाइपलाइन है, इसको आप नाम दे देते हैं, ये कौन सी पाइपलाइन है, ये है साइक्लोट्यूब सेल्स। बच्चों आपने चैप्टर नंबर 4 स्टडी किया था, उसमें लास्ट टॉपिक था आपका जो प्लांट के टिश्यूज थे, जाइलम टिश्यूज और फ्लोएम टिश्यू, ठीक है। जाइलम को आपने स्टडी कर लिया, अब फ्लोएम की जब आप बात करते हैं, क्योंकि फ्लोएम ही वो पोर्शन है जिसकी वजह से आपने फूड की ट्रांसपोर्ट करनी है, ठीक है। अब फ्लोएम के दो तरह के सेल्स होते हैं, एक को आप कहते हैं साइक्लोट्यूब सेल्स, दूसरे जो सेल्स हैं उनको आप कहते हैं कंपेनियन सेल्स। अब इन दोनों का अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रा करूं तो ये इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है कि ये अगर आपके पास साइड ट्यूब सेल्स हैं तो ये जो दो साइड पे हैं इनको आप कहते हैं ये कौन सी चीज है, ये इसके कंपेनियन सेल्स हैं। और ये ओवरऑल आपके पास कौन सी चीज बन जाती है, ये आपके पास फ्लोइंग पाइप बन जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि सबसे पहले सुक्रोज कहाँ पे आएगा, सुक्रोज ने आना है इस साइक्लोट्यूब सेल के अंदर, ठीक है। अब जब सुक्रोज आएगा साइक्लोट्यूब सेल्स के अंदर तो ये कौन सा मैकेनिज्म होगा जिसकी वजह से ये सुक्रोज आएगा यहाँ पे मैकेनिज्म लगेगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बच्चों ये भी आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या चीज होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्ट का एक मैकेनिज्म है जिसमें आप कहते हैं मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे मूवमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी लगानी पड़ेगी। एनर्जी किस फॉर्म में लगानी पड़ेगी, एटीपी की फॉर्म में। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो सबसे पहले सुक्रोज आएगा इस साइड ट्यूब के अंदर, ठीक है। एनर्जी कहाँ से मिलेगी, ये जो आपके पास कंपेनियन सेल्स हैं, कंपेनियन का मतलब होता है साथी सेल्स, ये जो कंपेनियन सेल्स हैं ये क्या करते हैं, ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इन साइड ट्यूब सेल्स को। तो मतलब एनर्जी कहाँ से आएगी, ये जो एटीपी आपको चाहिए ये कहाँ से आया, कंपेनियन सेल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं साइड ट्यूब सेल्स को, ठीक है। अब अगली चीज है कि जब यहाँ पे आप देखें ये सुक्रोज के मॉलिक्यूल में इनको ब्लू डॉट से मेंशन कर देती हूँ, ये जब इसके अंदर आ गया सुक्रोज, ठीक है, ये सुक्रोज के मॉलिक्यूल आ गए हैं साइक्लोट्यूब सेल्स के अंदर। अब क्या होगा जब सुक्रोज यहाँ पे आ गया इस पाइपलाइन के अंदर, तो यहाँ पे एक चीज होगी, यहाँ इस पाइप के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे थोड़े बहुत वाटर मॉलिक्यूल थे, क्यों, क्योंकि ये आपके पास फूड की पाइपलाइन है, तो फूड की पाइपलाइन के अंदर ऑब्वियसली वाटर तो कम होगा। अब जो ही इसके अंदर आपके पास सुक्रोज आया तो वाटर मॉलिक्यूल कम हो गए, इसके साथ ही यहाँ पे एक और पाइपलाइन होती है जिसको आप कहते हैं ये कौन सा पाइप है, ये जाइलम का पाइप है। जाइलम और फ्लोएम आपको जब आपने रूट का स्ट्रक्चर देखा था उसमें भी आपने देखा दोनों इकट्ठे सेल होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो ही यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल मूव करना शुरू कर देते हैं साइक्लोट्यूब सेल्स के अंदर। बच्चों यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन अगर आप बताऊं तो ये क्या है, मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टूवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन। इस जाइलम के अंदर वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा थे, ये जो फ्लोएम का सेल है, ये जो ट्यूब है, इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल कम थे। यहां से वाटर मॉलिक्यूल किधर मूव करेंगे, इस फ्लोएम के अंदर। अब जब ये फ्लोएम के अंदर मूव करेंगे तो फूड क्या होगी, फूड डिजॉल्व फॉर्म में चली जाएगी, जो सुक्रोज है वो वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाएगा। अब क्या होगा कि यहाँ पे इस फूड का जो वाटर की वजह से यहाँ पे फ्लूइड प्रेशर बिल्डअप होगा, जो ये फ्लूइड प्रेशर बिल्डअप होगा तो यहाँ पे हम कहते हैं कि जो अगली चीज है ये कौन सी चीज है आपके पास, ये आपका रूट है या जिसको आपने कंसिडर किया था, ये क्या है, सिंक। हम फर्ज करते हैं कि फूड आपकी इस एरिया तक पहुंच जाए, ठीक है। अब क्या होगा
कि फूड ने जाना है आपका किस पोर्शन के अंदर, सिंक वाले पोर्शन के अंदर, मतलब रूट के अंदर जाना है। अब क्या होगा यहाँ पे कि जो ही यहाँ पे नीचे वाटर, ये जो फूड है ये आपकी नीचे वाले पोर्शन में पहुंचेगी, तो क्या होगा ये जो आपके पास फूड है, सुक्रोज है, मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, ये आपके पास सिंक वाला पोर्शन है, फूड आपके पास यहाँ पे पहुंच गई है, ये सुक्रोज और वाटर में डिजॉल्व फॉर्म में फूड थी। अब क्या होगा यहां से आप कहते हैं कि सुक्रोज कहां पे मूव आ जाएगा, सिंक के अंदर, मतलब यहां पे भी कौन सा मैकेनिज्म लगेगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जैसे आपने लीफ से मूवमेंट करवाई थी साइटोट्यूब सेल्स के अंदर, इसी तरह साइटोट्यूब सेल से जब सिंक के अंदर फूड जाएगी तो कौन सा मैकेनिज्म होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और यहां से वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, दोबारा से कहां पे आ जाएंगे, जाइलम ट्यूब के अंदर। अब जो ही ये फूड यहाँ पे चली जाएगी, वाटर इस साइड पे चला जाएगा, साइटोट्यूब सेल के अंदर प्रेशर कम हो जाएगा। क्यों ही प्रेशर कम होगा, तो ये जो ऊपर आपके पास लीफ था जहां से आपके पास फूड आ रही थी, ये दोबारा से क्या करेगा, सुक्रोज को इस ट्यूब के अंदर भेजेगा, दोबारा से वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर ऐड होंगे और दोबारा से प्रेशर बिल्डअप होगा और ये फूड यहां से मूव करेगी। इस तरह से फूड मॉलिक्यूल जो है ये सोर्स से सिंक की तरफ आप इनकी मूवमेंट करवाते हैं। ये है आपके पास प्रेशर फ्लो थ्योरी, के प्रेशर की वजह से आप मूवमेंट करवाते हैं फूड की लीफ से वहां पे जाके रूट्स के अंदर। ठीक है, ये था आपके पास ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर का, नेक्स्ट पोर्शन है ट्रांसपोर्टिंग ह्यूमंस। ओके, अल्लाह हाफिज़।